दोनों अनुसंधान हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बाह्य तब पुष्ट होगा तो ही अभ्यंतर तब पुष्ट होगा, यानी बाह्य को छोड़ो और अभ्यंतर को पकड़ो तो भी नहीं चले, और अभ्यंतर को छोड़ो और बाह्य को पकड़ो तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पहला बाह्य तब क्या है? बाह्य तब में पहला क्या है? अंशण। और अभ्यंतर में पहला तब क्या है? प्रायश्चित। आप आलोचना लेते हो, क्या देते हैं आलोचना में? इतने उपवास करो, इतने आमिल करो, ये एकाशना करो, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। दूसरा बाह्य तप गुणोदरी, और दूसरा अभ्यंतर तप विनय। जो कम खाएगा नहीं वही विनय कर सकेगा, पेट भर के खाया है तो झुकेगा ही नहीं। हाँ, गुणोदरी होगी तो किसी का विनय करोगे ना। एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, बाह्य तप के ऊपर ही अभ्यंतर पुष्ट है। पर्वाधिराज का कल आगमन है, अपने जिन शासन में एक आलंबन के रूप में पर्व और तीर्थ, ये दो चीज बताई गई, एक तीर्थ है एक पर्व है। यदि इन दो के माध्यम से अपने को तरना है तो इनके अंदर फर्क यह आता है, तीर्थ का आलंबन यदि हमें लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तीर्थ के पास जाना पड़ेगा, तीर्थ उठ करके आपके पास नहीं आएगा। और पर्व का आलंबन लेना है तो अपन कहीं पर भी दुनिया के कोने में बैठे होंगे, पर्व सामने से आएगा, आएगा ना। खाली अपने लिए परमिशन नहीं है, जहां भी लोग बैठे हैं उन सबके पास ये कल पर्व आने वाला है। एक सामान्य अपना व्यवहार होता है, घर में आप कुछ भी बनाओ क्या भी खाओ कोई मतलब नहीं। घरवाले पूछे आज कौन सी सब्जी बनानी है, तब पूछ के बनावे रोज, रोज पूछती है क्या? एक आदमी बेचारा ऑफिस जा रहा था और घरवाली कहती है कि आज तो मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, और तो शाम को दोपहर में घर आया तो भिंडी की सब्जी थी नहीं। दूसरे दिन ऑफिस है, आज मैं इडली बनाऊंगी, वो इडली बनती नहीं थी। रोज नई 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 वो बोलती जाए, आज ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, और पांच छह दिन वो पति ने बोला कि जो बनाना है वो बनाना, मुझे मत बनाओ तू रोज। बना रही है, शायद हमको कोई पूछ के करे के ना करे, लेकिन हमारे घर में यदि कोई मेहमान आवे, घर में कोई मेहमान आवे, अपन उनको पूछ के रसोई बनाओ कि अपने हिसाब से बनाओ? अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, जो भी मिठाई बनानी है कि सब्जी बनानी है कि नमकीन बनाना है। लेकिन सामने वाले मेहमान बोल देवे कि हमको तो ये मिठाई चाहिए, ये सब्जी चाहिए, फिर अपनी मर्जी मुताबिक करो कि वो कहे वैसे करो। भाई सामने वाला मेहमान खुल्ले खुल्ला बोल देगा कि मुझे ये सब्जी नहीं ये सब्जी चाहिए, ये मिठाई नहीं ये मिठाई, ये तला हुआ मैं नहीं लेता, दूसरी कोई दूसरी नमकीन बनाओ, वो कहे वैसा करो कि नहीं, कि अपनी मर्जी मुताबिक नहीं चले। कल अपने मेहमान आ रहे हैं, आ रहे समस्त पर्वों के ये राजा, ये मेहमान, अब अपनी इच्छा मुताबिक करना कि वो पर्व मेहमान कहे वैसा करना है। पर्व ये मेहमान कहता है कि कल से सबको अट्ठाई करनी है, किसी को खाना खिलाना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, अब अपनी इच्छा से करना कि वो कहे वैसे करना है। भाई आप स्तवन में थुयो के अंदर बोलो कि नहीं बोलो, अट्ठाई घर, यानी कल का दिन अट्ठाई का घर है, फिर बाद में लास्ट के तीन दिन क्या बोलो? तेला घर बोलो ना, बोलते हो ना, कल से परमिशन में क्या करना था क्या अट्ठाई घर। बहुत सारे आज मेहमान आए हैं, हाँ मेहमान आए हैं, हमारे लिए तो मेहमान है। परमिशन चातुर्मास ऐसे देखो नहीं तो हमारे साधु साध्वी के लिए चार महीने के बंधन के रूप में एक भगवान की आज्ञा का चातुर्मास होता है, आपके लिए तो कितने दिन का चौमासा? 50 दिन भी नहीं, 8 दिन।
यहां दिन का ही चौमासा है, समझो ना। ये परीक्षण पूरा हुआ, 8 दिन पूरे हुए, चौमासा पूरा हुआ, आराधना अच्छी चल रही है, विमलनाथ भगवान का तप भी पूरा हुआ, सिद्धि तप चालू है, 15 उपवास भी चालू है, 11 भी चालू है, और अब कल से क्या होगा? देखो, मारवाड़ आना था नहीं लोगों को, बीच में क्या अवरोध आया? बारिश, ट्रेनें बंद हो गई, लेकिन जिनको आना था वो कैसे आए? बोले वो एमपी में होकर के घूम के भी आए, कोई गाड़ी लेकर के आए, ये रास्ता नहीं तो वो रास्ता, ये ट्रेन नहीं तो वो ट्रेन। अपने पास से मास्कमन की ट्रेन निकल गई, अब वो ट्रेन नहीं पकड़ सकोगे। 15 की गाड़ी भी गई, 11 की भी गई, अब लास्ट कौन सी है? बस अब 28 के बाद कोई कहेगा कि मुझे 28 करनी है, कल उपवास कोई ना करे और परसों से कहे कि 28 तो वो कर सकेगा, लेकिन जिस ढंग से होनी चाहिए वो सामूहिक के रूप में नहीं हो सकती। बस कल वाली लास्ट गाड़ी है सामूहिक 28, हाँ सबको बैठना है उसमें, तो यानी कल के दिन तो उपवास की पूरे पूरी भावना रखनी है, आगे कर सके कि ना कर सके। इस पर्वाधी राज के अंदर पर्व, और पर्व का नाम भी क्या? पर्वाधी राज, पर्युषण, पर्व का प, पर्युषण का भी प, और इस पर्युषण के पर्व को लेकर के हमारे जीवन के अंदर 5 चीजें प से संबंधित करनी है। पहले नंबर में प्रवचन, पर्युषण के दौरान कितने प्रवचन है? ऐसे मुख्य 3 सूत्रों के प्रवचन होते हैं, अष्टांगी का सूत्र, कल्प सूत्र और बारसा सूत्र। ये 3 सूत्र सुनने को मिलते हैं। पहले के 3 दिनों में अष्टांगी का प्रवचन, बाद में 5 दिन तक कल्प सूत्र का, और लास्ट अंतिम के दिन बारसा सूत्र। ये प्रवचन श्रवण, आप यदि कहो कि कल्प सूत्र तो हम हमेशा सुनते हैं, हमेशा सुनो, क्या आता है उसमें? अरे वो तो प्रभाव है उसका कि 21 बार सुनो तो मोक्ष, उसमें आता क्या है? बस भगवान का जीवन चरित्र, उसमें भी डिटेल से किसका चरित्र? महावीर स्वामी का। ये कितनी बार सुना, और अपन जानते ही है, कभी भी कोई भी पूछे तो अपन भगवान के बारे में बोल सकते हैं, विशेषता क्या है भगवान का जीवन चरित्र, ये बार बार सुनना, उसकी विशेषता क्या? इस कल्प सूत्रों के अंदर प्रभु के जीवन की इतनी सारी विशेषताएं बताई हैं कि भगवान का जीवन चरित्र के जो व्याख्यान आते हैं, कौन से में आवे? भगवान का जीवन चरित्र कल्प सूत्र के कितने व्याख्यान? 8 व्याख्यान, 8 होते हैं। 8 में से भगवान महावीर के संबंधित जीवन, उनकी बातें कौन से व्याख्यान में आती है? हमें 21 बार पढ़े खड़े हुए हैं, बोलो 21 बार तो हुई है। भगवान से संबंधित बातें कौन से व्याख्यान में आती है? पूछो, एक बीजा खतरा में आवे, खड़ में आवे, हाँ थुई में बताया नहीं, पहले मखाने धर्म सारथी पद बीजे सुपना चार, भगवान का जन्म भी नहीं हुआ अभी तक, तो पहले व्याख्यान में तो भगवान का जन्म भी नहीं हुआ। दूसरे व्याख्यान से जो बातें चलती हैं भगवान के जीवन की, आप कहो कि ये तो नॉर्मल बात है, हम हर साल सुनते हैं, नहीं, एक भवितव्यता के रूप में आश्चर्य वाली जो बातें हैं भगवान के जीवन में, आश्चर्य क्या हुआ? सबसे पहला आश्चर्य,
भगवान का नीच कुल के अंदर अवतरण होगा। समझना इस बात को, प्रभु का नीच कुल के अंदर अवतरण होना और ये नीच कुल के अवतरण के कारण क्या कारण बना, दो चैनल खुलती है। भद्रभाऊ स्वामी महाराज भगवान के दो चैनल खोलते हैं कि प्रभु का नीच कुल के अंदर अवतरण क्यों हुआ, तो कि एक थी भवितव्यता और दूसरा था कर्म। एक भवितव्यता थी, बहुत बहुत समय जाने के बाद में कुछ अघटित ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसे कहते हैं कि भवितव्यता, और दूसरा था कर्म, और वो कर्म भगवान के दूसरे व्याख्यान के अंदर क्या आता है, प्रभु से संबंधित बातें। पहले व्याख्यान में तो माता को सपने आए, चार सपनों तक बात आई, पहले वखाणे इतनी धर्म सार्थी पद, दूसरे व्याख्यान में सपने, चार सपनों तक की बात आती है, और दूसरे व्याख्यान से भगवान के नीच कुल के अंदर क्यों आए, वो 27 भव संबंधी सारी बातें आती है। और इन 27 भव की बात जो दूसरे व्याख्यान में, वो हमको ये उपदेश देता है कि भगवान की आत्मा ने पूर्व भवों में क्या क्या भूले की, क्या क्या गलतियां की, वो बताया जाता है। बताते हैं 18वें त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में सैया पालक के कान में खिले डाला ने सीसा डाला, उसे खिले का कर्म उपार्जित हुआ। कितनी कितनी गलतियां भगवान ने की, मरीची के भव से गलतियां करते आए। शिष्य मोह के लिए उत्सूत्र बोले, शरीर की सुखशीलता के लिए भी मिथ्या प्ररूपणा की, भगवान से विरुद्ध उन्होंने एक नया पंथ निकाला, न जाने मरीची के भव से गलतियां करते ही आए। हमारे जीवन के अंदर वो गलतियां न हो, इसलिए वो सुनाया जाता है कि प्रभु ने यह गलती की और इसका परिणाम क्या आया। भूलों से सुधरना है वो दूसरे व्याख्यान के अंदर आता है। तीसरा, चौथा और पांचवें व्याख्यान में भगवान के क्या क्या गुण थे जो अपने को लेना है, वो गुण संबंधी बातें तीसरे, चौथे और पांचवें व्याख्यान के अंदर आती है। दूसरे में भगवान की भूल, उससे अपने को सुधरना, और तीसरे, चौथे, पांचवें में भगवान के क्या क्या गुण थे, उस गुणों को ग्रहण करना, ये हमें तत्व सूत्र के माध्यम से जो बताया जाता है। इस परिवेश में पहला कार्य करना है प्रवचन का। ट्रेन का टाइम होता है जी, कब जाते हो प्लेटफॉर्म पर? बिफोर। और यहाँ व्याख्यान में देखो, अब ठीक था, अब कल से ये पर्वाधी राज और टाइम कोई इसके मोड़ो टाइम है, मैं तो तैयार हो गया, गीत गावे के बेगा बुलाए, मोड़ा आया साढ़े नौ करेक्ट टाइम है। देखो 9:30 व्याख्यान में आप लेट आओ, सुनने का मिलता का कब है, मात्र इस परिवेशन के दौरान हो तब आपको सुनने को मिलता है। लेट आओ, जिन वाणी का भी अपमान है आपके, जो भी पूजा करनी है या याचना करना है, सुबह का प्रतिक्रमण जो भी है, सब 9:30 के पहले कंप्लीट करना, सब उससे पहले निवट देना, और बरोबर 9:30 बजे प्रवचन, जिसमें पहले अष्टांगी का क्या क्या अपने कर्तव्य है, फिर कल्प सूत्र और फिर मूल वाणी भद्रभाऊ स्वामी की पारसा सूत्र। इसलिए पहला कार्य रहता है प्रवचन श्रवण का, दूसरा कार्य रहता है प्रतिक्रमण। पूरे पर्युषण संबंधी कितने प्रतिक्रमण? 17 प्रतिक्रमण सुबह से चालू हो जाएगा कल। सुबह से प्रतिक्रमण भाई, सुबह कराओ भाई, क्या देखो, पोषद की भी सुविधा है, 64 प्रहरी पोषद जिनको भी करना है, अथवा छोटे छोटे एकाध पोषद भी जिनको भी करना है,
औषध के पूरी पूरी सुविधा है, ढलना मात्रा पुरुषों के लिए पूरे पूरी सुविधा है। तो सुबह में 5 बजे औषध वाले प्रतिक्रमण चालू करेंगे और प्रतिक्रमण फिर औषध भी उसके अंतर्गत ही है। और जिनको औषध नहीं करना है, खाली प्रतिक्रमण ही करना है, तो भी 5 बजे 5:30 जाना अलग अलग ही करना है। खाली औषध हमारो राखो औषध दारा रे मोड़ो में औषध अगर प्रक्रिया करनी साढ़े पांच चालू होने का टाइम है। देखो 5:30 ये कल से इंडियन टाइम बंद करना है। हाँ, इंडिया का टाइम बंद करना है और इंडियन टाइम पे है। 5:30 यानी 5:30 बरोबर चालू हो जाएगा। अच्छा कम आउरी उबर कोई उबर नहीं रहे, यानी एक में लेट करो तो सब में लेट होता है। तो वो प्रतिक्रमण शाम का, प्रतिक्रमण शाम का भी वहीं पर ही होगा पुरुषों का। और रोज सुबह शाम संवत्सरी के होने के बाद भी पांचम का भी सुबह का प्रतिक्रमण, इसलिए 17 प्रतिक्रमण होते हैं। ये पाप त्याग का, पाप को खत्म करने का एक मुख्य साधन प्रतिक्रमण बताया। पहला प्रवचन, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा रहता है पचखान। पचखान तो समझोगे क्या शक्ति है तो 28 का पचखान, यदि शक्ति नहीं है तो कम से कम परीक्षण के दौरान क्या करना, अठम करना, छठ अठम करना। उपवास की भी यदि शक्ति नहीं है तो कम से कम आंबिल करना, आंबिल भी नहीं हो सके तो एकाशना करना, एकाशना भी नहीं हो सके तो बियाशना, उसके बाद कोई पचखान नहीं है। कल ये परिवार आमंत्रण दे, 3 टाइम लाभ दे जो, काले दिन कोई 3 टाइम लाभ नहीं है। हाँ, काले परिवर्तन से 3 टाइम क्या, कम से कम क्या होना चाहिए भाई? जिनको भी दवाई लेनी है, गोली लेनी है, 2 टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम आराम से ले सकते हैं। यानी कम से कम छोटे से छोटा भी पचखान, एक प्यास ने जितना तो पचखान करना ही है। पर्व के दिनों में कोई खुले मुंह न रहे, छूटे कोई न रहे, कारण कि ये पर्व है और पर्व की ये कंडीशन है, ये कंडीशन है उनकी कर्म की निर्जरा के लिए। पचखान, पहला प्रवचन, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा पचखान, चौथा प्रभु भक्ति, परमात्मा की भक्ति। 3 दिन पूजा पढ़ाई जाएगी, कल परसों और उसके बाद 31, 1 और 2, 3 दिन दोपहर में मंदिर जी में भगवान की पूजा होगी और दोनों मंदिर जी में अंग रचना होगी, भगवान को आंगी की जाएगी और रात के अंदर भक्ति होगी। पर्व के दिनों में ये प्रभु भक्ति विशेष रूप से करनी होती है। 5वां रहता है प्रेम भाव बना करके रखना। प्रेम भाव मतलब क्षमापना, जो भी अपने बैर है, झगड़े हैं, दुश्मनावट है, कम से कम इन 8 दिनों के अंदर उसका त्याग करना, उस द्वेष भाव को, उस वैर भाव को, उस क्रोध को बंद करना। और कैसे रहना, इन 8 दिनों के अंदर प्रेम भाव से रहना। ये पर्व, और पर्व को कहते हैं कि विशेष रूप से तप त्याग के द्वारा इस पर्व की उजवणी करनी। देखो अपनी शक्ति के अनुसार तप करेंगे करेंगे, लेकिन यदि हमारी कुछ भी शक्ति नहीं है, कम से कम अब ये परिवेशन, इसको त्योहार कहो के पर्व कहो, कोई त्योहार बोलता है नहीं बोलता, तो त्योहार ने पर्व में क्या फर्क है? बस खाओ पियो, जलसा करो, मजा करो, पाप करो, विराधना करो, आरंभ समारंभ करो, वो रहता है त्योहार के अंदर। पर्व में आरंभ समारंभ पाप जलसा सब बंद, बन सके तो कल से 8 दिन तक बिना साबुन से स्नान करना। 8 दिन कर नहीं सकोगे, खाली पानी से स्नान करना, साबुन नहीं लगाना, ये भी एक त्याग। मंदिर उपाश्रय धर्म स्थान के अंदर जाओ तो चप्पल छोड़ के आना, यानी घर ही छोड़ के आना और ठीक रहेगा। यहाँ बहुत जने आए हैं, घूम जाने की भी संभावना रहेगी, फिर अपने ही चप्पल किसी के पैरों में देखे तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं होता है।
इसलिए जीवों की विराधना न हो, इस कारण मंदिर उपाश्रय में जहाँ भी आओ, व्याख्यान में आओ, प्रतिक्रमण में आओ, छप्पल छोड़ के ही आना घर पर, वो भी एक त्याग रहेगा। लीलोत्री तो त्याग है ही है, रसोड़ा तो आपका घर पे तो बंद ही है, इधर तो है ही नहीं। साबुन का त्याग, चप्पल का त्याग, ये तो ठीक है, नॉर्मल बात है। मुख्य त्याग मोबाइल का त्याग नहीं कर सको। कितने घंटे मोबाइल यूज करना, पर्यूषण के दौरान प्रतिक्रमण होने के बाद में रात को 9:30 बजे के बाद कंप्लीट मोबाइल बंद कर सको, दिन भर खुला। हाँ, तो जल्दी आप सो सकोगे, सुबह प्रतिक्रमण के लिए भी जल्दी उठ सकोगे। रात को जो मोबाइल चालू रहा तो 1 बजे तक तो नाम नहीं सुनेगा। तो जितना बने उतने पापों को अपने को विराम देना है, और इन दिनों के अंदर पूरे पूरे प्रेम भाव के द्वारा क्षमा भाव को, उपशम भाव को हमको आत्मसात करना है। ये पर्व जो सामने से हमारे आए हैं, और इस पर्व की आराधना हम तप, त्याग, वीरति, बछाण के द्वारा करें। हाँ, दूसरी बात, सुबह में व्याख्यान होगा, देखो वे रोज थोड़े बस में घड़ियों बाजे दिए हैं, रोज की वो सेट की हुई है टाइम, कल से कोई टाइम सेट नहीं है, घड़ियां तो बंद करे ना जो। पर्यूषण में व्याख्यान पूरा होने का कोई टाइम नहीं है, कहे चालू होने का टाइम है, पूरा होने का कोई टाइम नहीं है। और जानो कटे, मैं तो को भी घर पे कोई काम तो है नहीं, रसोई करनी नहीं है, खाना तो इधर ही है, कोई काम नहीं है, और जहाँ भी जाना है व्यवस्था सब यहाँ ही है, जो भी शंका निवारण के लिए कहीं जाना हो तो सब व्यवस्था यहाँ पर ही रही हुई है। इसलिए 11:30 भी बजे 12 भी बज सकते हैं, लंबा चलेगा, इसलिए थोड़ी स्थिरता रखनी। दोपहर के अंदर 3 दिन पूजा है, और बाद में दोनों टाइम कल्प सूत्र के व्याख्यान होंगे। मारवाड़ में अपर कोई सिस्टम है, एक टाइम ही दामनों की बैठ है, कई टाइम है क्या? इसलिए व्याख्यान मोरे तो 2 टाइम देना आवारी बात है। आज नहीं तो सुबह गया मेपनों का जरूर है। हाँ, दोपहर के अंदर भी देखो पूरे पूरा आप सुनोगे तो जीवन के अंदर कुछ न कुछ उतरेगा। दोपहर के अंदर भी व्याख्यान 2:30 बजे चालू होगा, कल्प सूत्र के दोनों व्याख्यान होंगे, 3 दिन तो पूजा है, उसके बाद दोनों टाइम व्याख्यान होंगे। और हमारे पुरुषों के लिए रोज का प्रतिक्रमण यानी कल से 7 बजे शाम को 7 बजे, अभी आज तक 7:30 बजे का टाइम है, कल से 7 बजे देखो कोई है इंडियन टाइम के, वो इंडियन टाइम काले थी एक बंद है, 7 बजे बहनों का भी प्रतिक्रमण। देखो भाई पुरुषों घबराना मत, घबराने वाले भी होते हैं। प्रतिक्रमण एकदम नॉर्मल प्रतिक्रमण, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, उससे ज्यादा आपको नहीं बैठाएंगे। ये मत समझना पुरुषों में खूब बड़ो प्रतिक्रमण में, वो तो खाली लास्ट 1 दिन ही बड़ा होगा, संवत्सरी का ही बड़ा होगा।